सुनाए। पहले चरण पखारूंगा, उनकी रज को झारूंगा, पान करूंगा चरणामृत नाव पे तब बैठारूंगा। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट प्रभु के पांव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पांव पखार पिया चरणामृत फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुंच कर जब उतराई देने का अवसर आया। देने लगी वैदेही अंगूठी तो नामे सर केवट ने हिलाया। देने लगी वैदेही अंगूठी तो नामे सर केवट ने हिलाया। सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार। नाई धोबी धीमर के बट और लोहार सुनार, हर एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार। मैं नदिया का केवट तुम भव सागर तारनहार। राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार। आऊं मैं जब घाट तुम्हारे, आऊं मैं जब घाट तुम्हारे, कर दीजो बेड़ा मेरा पार। सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार। केवट ने जो मांगी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई। उतराई अवश्य छुपानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। केवट को वचन देकर मुस्कुराते हुए विदा लेकर सिया सहित वन मार्ग पर चल दिए युगल किशोर। हो लिया संग निषाद भी बंधाने की डोर। सिया सहित रघुनंदन गंगा जी का करके वंदन। भरद्वाज के आश्रम आए मुनि को विनय प्रणाम जनाए। ऋषि ने प्रभु को हृदय लगा
अकथनीय परमानंद पाया। कुशल पूछ आसन बैठारे, पद पूजक मुनि भय सुखारे। कंद मूल फल परस कर अति प्रसन्न ऋषिराज। ज्ञान ध्यान तप योग जप सफल भय सब आज। कर मुनि से सत्संग प्रभु किया तहां रैन प्रवास। तंद्रावस्था में हुआ आध्यात्मिक आभास। सरितात्रय मुद मंगल देनी। ओ राम प्रयाग महात्म बखाना। तीर्थेश्वर यह सरस सुहाना। ओ नाम प्रयाग यज्ञ हुए अगणित। कण मंत्रों से अनुगुंजित। ओ तीर्थेश्वर की महिमा गाकर आश्रम में पुनि आए रघुवर। शुभाशीष मुनिराज से मांग रहे जगदीश। पूछ रहे वनवास को जाए कहां मुनीश। मुनि बोले तुम में जगत बसा। तुम विद्यमान सर्वत्र सदा। तुमको क्या राह सुझानी है। ये रामायण सिया राम।